Hello guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर IST ऑनलाइन समर एग्जाम, यानी ऑनलाइन ओलंपियाड एग्जाम आप कैसे दे सकते हैं और इसकी प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, एग्जाम डेट कब है, ये सारी चीज़, इसकी एग्जामिनेशन फीस क्या लग रही है, ये सारे प्रोसेस आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन ओपन IST ऑनलाइन समर 2023 यानी इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च ओलंपियाड के तहत आप ऑनलाइन ओलंपियाड एग्जाम 2023 में अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिमिटेड सीट अवेलेबल, यानी डेट यहाँ पे नहीं बता रहा है कि लास्ट डेट क्या है, लेकिन एग्जाम के पहले पहले तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए हम सेकेंड बाय सेकेंड यहाँ पे रजिस्टर्स बच्चों के नाम आ रहे हैं। अब हमारा ऑनलाइन एग्जाम डेट देख लेते हैं। एग्जाम डेट क्लास फर्स्ट के लिए 3 मई 2022 है एंड क्लास फोर्थ टू सिक्स के लिए जो है 21 मई, सॉरी क्लास फर्स्ट से 3 मई के लिए 22 मई और क्लास फोर्थ से सिक्स के लिए आपका 21 मई है, जबकि क्लास सेवन से टेन तक के लिए 14 मई को एग्जाम होगी। ऑनलाइन ओलंपियाड एग्जाम देने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, तो चलिए हम देख लेते हैं। एक लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, कुछ भी एक आपके पास होना जरूरी है। साथ ही इसके साथ आपका वेबकैम कैमरा और लाइव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जिसकी स्पीड आपकी 512 होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये एग्जाम किन बच्चों के लिए है, तो इट इज ऑन लाइन टेस्ट ओपन ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट टू टेंथ, क्लास फर्स्ट से टेंथ तक के बच्चों के लिए, 11th 12th के बच्चों के लिए ये ओलंपियाड एग्जाम नहीं है। इंडिविजुअल आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पर रजिस्टर करके। स्कूल के द्वारा भी इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन होती है, जिसकी डेट अब खत्म हो चुकी है। अगर आपने नहीं भरा है तो यहाँ से इंडिविजुअल आप रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर पर जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, इस साइट को खोलने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ISTSE.org, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही हमने रजिस्टर पर क्लिक किया ये ओपन हो गया, न्यू यूजर रजिस्टर है। अगर आप पहली बार यहाँ पर हैं तो यहाँ दे रहा है ऑनलाइन स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर क्लास फर्स्ट टू टेंथ स्टूडेंट, टेक टेस्ट फ्रॉम होम यूजिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, यानी घर पर बैठकर आराम से एग्जाम दे सकते हैं। 1 आवर से एग्जाम का टाइम है, क्वेश्चन फ्रॉम मेंटल एंड लॉजिकल, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश, 1 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। इसमें जो है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, निगेटिव मार्किंग की जाएगी रॉन्ग आंसर के लिए, और रजिस्टर्ड स्टूडेंट विल बी रिसीव 3 मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे इसके साथ ही आपको 3 मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वो भी एग्जाम के पहले। मॉक टेस्ट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन एंड आफ्टर द एग्जाम डेट, उसके बाद नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन फीस इसकी है 399 विथ लेट फी 499 आपकी लगेगी। अब चूंकि ऑलरेडी इसकी डेट लेट चल रही है तो आप रजिस्टर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि लेट फी आपका कितना लग रहा है। स्टूडेंट नेम्स, ईमेल, पेरेंट्स नेम, होम एड्रेस, यूजर नेम, फिर यहाँ से हम देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपना मोबाइल नंबर डालना है, स्कूल नेम, इंडिया, स्टेट, सिटी, पिन कोड, पासवर्ड एंड री पासवर्ड वापस से भरना है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्लास सेलेक्ट करना है, तो टोटल अमाउंट बी पेड आपको अभी आज के डेट में 599 रुपीज करना है, और ऐसे इसकी फीस है 399, लेकिन आज के डेट में 599 आपको लेट फीस सहित जमा करना है। अब आप इसके जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है इस एग्जाम में। एक और अच्छी बात है कि हर सब्जेक्ट से अलग अलग एग्जाम यहाँ पर नहीं लिए जा रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल पेपर ही एग्जाम यहाँ पर है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि सिंगल पेपर एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। ये तो हमने जान ही लिया कि 1 घंटे का एग्जाम होगा। देखिए इट इज अ सिंगल, क्या है, इट इज अ सिंगल क्वेश्चन पेपर एग्जाम कंप्राइज द मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। सिंगल क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें यह सभी को ऐड किया जाएगा। मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी से 9%, मैथमेटिक्स से 24%, साइंस से 24%, इंग्लिश से 12% एंड स्कॉलर सेक्शन से 15% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसके बाद लास्ट में फेयर प्ले या इंटरव्यू फॉर द टॉपर बेस्ट एवर मॉड्यूल, जो लास्ट में टॉपर रहेंगे उसको मॉड्यूल के हिसाब से
इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके हिसाब से फिर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए अब इसकी हम सिलेबस तो हमने देख ही लिया है, अब क्वेश्चन टॉपिक्स देख लेते हैं। क्लास वाइज इसमें क्या टॉपिक्स रहता है देखिए, जैसे क्लास फर्स्ट है इसमें इस प्रकार के सैंपल पेपर आपको दिए गए हैं और साथ ही ओएमआर शीट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप यहाँ से डाउनलोड करके स्कूल के थ्रू अगर आप करवा रहे हैं तो वो टाइम तो खत्म हो चुका है। सैंपल ओएमआर शीट कैसे हमको गोला लगाना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई सी भी क्वेश्चन को हमें टिक नहीं लगाना है, जबकि ओएमआर शीट को फिलअप करने के लिए हमें इस प्रकार की शीट मिलेगी एग्जाम में जिसे आपको फिलअप करना है। तो इस तरह के ओएमआर शीट रहेंगे, इधर देखिए इस तरह का ये गोला रहेगा, यहाँ पे इसको आपको डिटेल्स भरने रहेंगे। आंसर शीट में नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, यहाँ पे रोल नंबर आपको वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, जेंडर, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा वो आपको फिलअप करना है, फिर यहाँ पे अपना नाम, रेसिडेंशियल एड्रेस, सिटी, स्टेट, मेल, मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है और फिर इस प्रकार आपको यहाँ पे करेक्ट गोला इस प्रकार है, ये सब गोला रॉन्ग है, यहाँ पर मतलब पूरी तरह से इसको गोला करना है, इसकी भी आपको एजुकेशन होना चाहिए कि आप अच्छे तरह से प्रॉपर गोला करेंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो इस तरह क्वेश्चन का गोला लगा के आप व्यवस्थित आंसर देंगे। अब इसके क्वेश्चन पेपर मान लो सपोज आपका क्लास फर्स्ट के लिए हम सैंपल पेपर देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं। यह भी आपने देखा ही कि एक ही सिंगल क्वेश्चन पेपर रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नहीं रहते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें करीब 60 मिनट का टाइम रहेगा, टोटल मार्क्स 100 के रहेंगे, क्वेश्चन पेपर कंटेंट 35 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और पर लेवल से कितने क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे दिए हुए हैं। 1 से 6 क्वेश्चन मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी के हैं, 7 से 14 मैथमेटिक्स, 15 से 22 साइंस से रहेंगे एंड 23 से 30 इंग्लिश एंड 31 से 35 स्कॉलर सेक्शन के क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए इस क्वेश्चन कैरी नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आपने गलत जवाब दिया है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस आप फिलअप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ISTSC.org, यहाँ से मैं जूम कर देती हूँ, ये देखिए इस वेबसाइट पे जाके आप इसको ऑन करके फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए और डिटेल्स हम देख लेते हैं इसके, ये सैंपल पेपर हो गया और ये रजिस्टर आप यहाँ से कर लेंगे, सैंपल पेपर, सिलेबस। अब हम देख लेते हैं कि अवार्ड क्या है, चलिए टॉपर्स की भी देख लेते हैं, टॉपर्स यहाँ के क्या बोल रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम को पहले दे चुके हैं जो बच्चे उसके टॉपर्स के भी यहाँ पर आते रहते हैं। देखिए यहाँ पे हैज बीन रजिस्टर ISTS लास्ट 5 डे, 5 डे में 5 दिनों में करीब 345 लोगों ने रजिस्टर किया। देखिए अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है, डायरेक्ट रिकोनाइज एंड अवार्ड। देखिए एग्जाम जो है 3% में इंडिविजुअल डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, फिर प्रिपेयर, मॉक टेस्ट, फाइनल टेस्ट एंड रिजल्ट, इस प्रकार 5 चरणों में एग्जाम डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए कंप्लीट होते हैं। पहले मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा फाइनल टेस्ट के पहले, फिर लास्ट में रिजल्ट होगा, आप इस प्रकार कर सकते हैं। कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो सारा आपको यहाँ से एक बार रजिस्टर करने के बाद गाइडेंस मिल जाती है। यहाँ पर जो है 95% या उससे अबव वाले को स्कॉलर सर्टिफिकेट एंड गोल्ड मेडल मिलता है। फिर इसी प्रकार टॉप 3 स्टूडेंट्स को जो है रैंक आने पर स्कॉलरशिप 1500, फिर 1000 और फिर 500, इस प्रकार स्कॉलरशिप उनको मिलती है। और इस कुछ टॉपर्स की हम लोग देख लेते हैं, तो ये देखिए इस प्रकार के जो है टॉपर्स इस एग्ज़ाम के बारे में क्या बता रहे हैं। देखिए टॉपर प्रोसेसिंग समर 2020-21 के जो टॉपर्स हैं, 2020 के टॉपर्स के बारे में ये प्रोसेसिंग देख लेते हैं किस प्रकार कौन कौन से टॉपर हैं। देखिए ये सब टॉपर्स हैं, ये 70% इसने लिया है, रिटर्न 100%, इंटरव्यू में 75% इन्होंने किया, रिटर्न 100%, ये रिटर्न 98%, इंटरव्यू में 49%, इस प्रकार ये सारे बच्चे हैं जिनके बताए जा रहे हैं कि ये टॉपर किसके हैं, समर 2022 ऑनलाइन समर 22 के ये टॉपर्स रहे हैं ये बच्चे इंटरव्यू मार्क्स में। तो आप ही इसे
अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चंस या डाउट आपको रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछें। तो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।